आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एजेंसीज, ये जो है फर्स्ट यूनिट का है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का फर्स्ट यूनिट है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स में से सबसे पहले आज हम डील करेंगे फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हम देखते हैं राइट्स ऑफ चाइल्ड, ये जो बच्चे जो होते हैं तो उनके जो कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सा उनका हक है एज अ चाइल्ड, तो वो जो है आज हम डील करते हैं। टू मीट स्पेशल नीड्स ऑफ द चाइल्ड, जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड ऑन 20 नवंबर 1959 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ये जो राइट्स जितने भी बने हैं ये बच्चों का, जो चाइल्ड का, ये कब बना है, 20 नवंबर 1959 में ये जो राइट्स जो है ये बनाया गया है। किसने बनाया ये, यूनाइटेड नेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया। ओके, द राइट्स ऑफ चाइल्ड आर, बच्चों का जो राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है वो 10 राइट्स ऑफ चाइल्ड है। तो 10 जो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये जो 10 जो है इसको आप एज इट इज़ आपको पता होना चाहिए, एक एक वर्ड जो है क्या है उसका मीनिंग। तो सबसे पहले है राइट टू डेवलप इन एटमोसफेयर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, मतलब कि जो बच्चे जो होते हैं उनका क्या राइट है। सबसे पहला राइट ये है कि एक ऐसा एटमोसफेयर में डेवलप करना जहाँ पे अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, अफेक्शन मतलब स्नेह जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो एक अफेक्शन एंड सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी मतलब कि हर हार्मफुल चीज़ों से उनको बचाना, मे इट बी पर्सन, मे इट बी वट एवर द एनवायरमेंट इज़, वायलेंस हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तो उनको एक सिक्योरिटी देना, उनको एक स्नेह देना, तो ऐसे माहौल में उनको पलना और बड़ा करना जो है, बड़ा होना जो है वो उनका एक राइट है। सेकेंड इज़ राइट टू एन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। तो जितने भी बच्चे हैं उनका दूसरा राइट क्या है, उनका दूसरा राइट ये है कि उनको सिक्योरिटी तो मिलना ही चाहिए। सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी हार्मफुल चीज़ हो गया, वायलेंस वगैरह हो गया, जहाँ पे होता है तो वहाँ से क्या उनको बचाना, और उसके बाद एक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो है जैसे हमने हम आपको पता ही होगा जितने भी विटामिंस वगैरह हो गया, तो ये सारा न्यूट्रिशन जो है गांव-गांव में क्या होता है, जैसे बेबी जो है पैदा हो जाता है वैसे जितने भी विटामिंस वाले, जितने भी टैबलेट्स हो गए या फिर विटामिन से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो गई, वहाँ पर घर घर पर आके वहाँ पर एजुकेशन देते हैं, उसके बाद टैबलेट्स वगैरह बांटते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है, तो उनको न्यूट्रिशन जो है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको मिलना उनका हक है। उसके बाद एक हाउसिंग, एक घर होना उनका हक है, और इसके मेडिकल केयर, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ जितने भी हैं वो बच्चों को मिलना उनका हक है, जैसे पोलियो वाले, पोलियो हो गया, इम्यूनाइजेशंस वगैरह हो गया, तो ये सारा जो चीज़ें हैं बच्चों को मिलना उनका ये हक है। ओके, थर्ड इज़ राइट टू फ्री एजुकेशन, एजुकेशन जो है फ्री, ये क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री जो है, फ्री एजुकेशन अगर वहाँ पे अगर एलिजिबल है फॉर फ्री एजुकेशन वगैरह, तो वो बच्चों का राइट है उनको फ्री एजुकेशन मिले। उसके बाद फोर्थ है राइट टू फुल अपॉर्चुनिटी फॉर प्ले एंड रिक्रिएशन, प्ले एंड रिक्रिएशन मतलब कि बच्चों को पूरा हक है खेलने का, और रिक्रिएशन मतलब रिक्रिएशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, जैसे लाइब्रेरी में या फिर जो पार्क्स वगैरह में जो बने होती है, चिल्ड्रंस पार्क वगैरह, उसके बाद खेल को खेलने के लिए बहुत सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स में आती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने वाला होता है, ये सारा क्या किस में आता है, रिक्रिएशन में। तो उनको पूरा हक है प्ले एंड रिक्रिएशन का, पढ़ने के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ उनको खेलना और उसके बाद पढ़ाई करना या फिर जो जो भी है अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करना ताकि बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह को बनाएं, तो ये सब चीज़ें जो है इनका राइट है। फिफ्थ इज़ राइट टू अ नेम एंड नेशनैलिटी, हर बच्चे को हक है कि एक नाम और एक नेशनैलिटी जो है वो मिले। तो सिक्स इज़ राइट टू स्पेशल केयर, राइट टू स्पेशल केयर मतलब कि स्पेशल केयर फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस, जो फिज़िकली हैंडीकैप वगैरह हो गया तो उनको एक स्पेशल केयर जो है वो देना बहुत ज़रूरी होता है, तो उनको पूरा हक है ये जो स्पेशल केयर जो है वो मिले, अगर घर से है तो घर की तरफ से, या फिर अगर अगर उनके पेरेंट्स जो है अगर वहाँ पर नहीं है, अगर वो ऑर्फन है, तो फिर जो भी एसोसिएशन वगैरह जो है वहाँ से उनको ये स्पेशल नीड्स जो है, स्पेशल केयर जो है मिलना, ये उनका हक है। सेवन इज़ राइट टू बी अमंग द फर्स्ट टू रिसीव प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन टाइम ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कि हमें पता है कि नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर्स, तो नेचुरल डिजास्टर्स में जैसे हो गया सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, मैन मेड में क्या हो गया, वार्स वगैरह। तो फिर इसमें क्या है, सेवन्थ वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि बच्चों को जब भी डिजास्टर होती है, डिजास्टर मतलब कोई भी आप ये जो अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, तो जहाँ से भी कहीं भी डिजास्टर होने की वजह से अगर कोई भी वहाँ
वहाँ पे केओस मच जाता है उस एरिया में, एनवायरनमेंट। तो बच्चों को सबसे पहला हक है, अडल्ट को नहीं या फिर सीनियर सिटीजन्स को नहीं, सबसे पहले बच्चों को वहाँ से निकालना और उनको एक सेफ जगह पे पहुँचाना। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट टू रिसीव द प्रोटेक्शन, दे विल बी द फर्स्ट persons to receive the protection in case of disaster। मतलब कि जब भी कोई भी disaster होगा तो सबसे पहला care किसको मिलना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए। तो पहले बच्चे को evacuate करेंगे, उसके बाद जो है senior citizens या फिर कोई भी sick person, उसके बाद last में adults जो होते हैं, जो healthy adults होते हैं उनको। उसके बाद है eighth is right to learn to be a useful member of society। राइट टू लर्न टू बी यूजफुल मेम्बर ऑफ अ सोसाइटी, मतलब कि बच्चों को ये पूरा उनका हक है, ये उनको सिखाना कि सीखना, नॉट सिखाना, सीखना, ताकि वो सोसाइटी में एक बहुत यूज़फुल मेंबर हो। यूज़फुल मेंबर मतलब कि सोसाइटी के लिए एक पीसफुल, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन हो, एक बहुत वेल मैनर्ड पर्सन हो, सोसाइटी में कैसे पीसफुली रहा जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, किससे कैसे बात करना है, ये जो पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, तो ये सारा जो है उनको सीखना उनका राइट है। एंड टू डेवलप इन अ हेल्दी एंड नॉर्मल मैनर, मतलब कि एक ऐसा एनवायरनमेंट में उनका डेवलपमेंट हो जहाँ पे बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट हो, और उसके बाद बहुत नॉर्मल मैनर में, मतलब कि ऐसा ना हो कि जहाँ पे बहुत वायलेंस होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलीगल चीज़ें होती है, अब्यूसिव वर्ड्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है उनको। एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है उनका हक है। एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, मतलब कि बच्चों को पूरा फ्रीडम है उनका, कोई भी कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, और उनके डिग्निटी के साथ। नाइन्थ इज राइट टू बी ब्रॉट अप इन अ स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि उनको ऐसी जगह पे अंडरस्टैंडिंग पावर जो उनको सिखाना है कि क्या चीज़ क्या है। अगर हम कुछ मना कर रहे हैं ये चीज़ करने से, तो हम क्यों, ऐसे नहीं कि बस मना कर दो, नो, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाई वी आर सेइंग नो टू थिंग्स। उनको पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों बोला, कि क्यों मना किया हमें ऐसा नहीं करना। या फिर हम जैसे घर पे कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं, बड़े जब आते हैं, तो हम बोलते हैं कि ग्रीट करो, तो ग्रीट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। तो उनको सिखाना जो है वो, जो अडल्ट उस फैमिली में, अगर फैमिली मेम्बर्स जो उनका काम है, या फिर जो एसोसिएशंस वगैरह होती है जिनके ऑर्फन्स वगैरह होती है, तो उनका ये काम है कि बच्चों को बताना कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, व्हाट इज़ गुड मैनर्स, व्हाट इज़ बैड मैनर्स, तो ये सब कुछ। एंड आफ्टर इस टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चाहिए तो ज़िद करेंगे, घर पे सारा सामान तोड़ देंगे, हम मुझे वो चीज़, मुझे वो टॉय चाहिए चाहिए, तो उनका हर एक ज़िद को पूरा करना वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। उनको सिखाना चाहिए कि टॉलरेंस होना चाहिए लाइफ में। तो बचपन से ही क्या होता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे बचपन से उनको सिखाना चाहिए कि हमेशा जब ज़िद करते हैं तब नहीं देना है वो चीज़। तो टॉलरेंस लेवल जो है उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। बट टॉलरेंस लेवल सिखाते वो वायलेंस जो है उसको हम नहीं कर सकते, नो वायलेंस, विदाउट वायलेंस जो है बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं टॉलरेंस, तो वैसे उनको सिखाना है। फ्रेंडशिप अमंग पीपल, पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि बच्चों जो है दूसरे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप बनाए, उसके बाद दूसरे लोगों के साथ मिले, एक दूसरे से सीखे, और एक ब्रदरहुड वाला फीलिंग जो होती है वो जो चीज़ जो है उनको पता होना चाहिए कि हाँ, दिस आर माई फ्रेंड्स, एक ब्रदरहुड वाला, एक इमोशनल अटैचमेंट वाला, वो सारी चीज़ें जो है उनका पूरा राइट है वो चीज़ जो है उन सीखे और ऐसा एनवायरनमेंट में वो रहे। ओके, द लास्ट इज राइट टू एन्जॉय दिस राइट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, कलर, सेक्स, रिलीजन एंड नेशनल। मतलब कि जितने भी राइट्स हमने पढ़ा था अभी, ये 9 राइट्स जो है, इन सब में ये सारा राइट्स जो है उन बच्चों को हक है सीखने का, या फिर उस माहौल में रहने का। या जब ये राइट्स जो है हम देखते हैं, तब हम उनका रिलीजन नहीं देखेंगे, हम उनका नेशनैलिटी नहीं देंगे, हम उनका सेक्स नहीं देंगे, लड़का है या लड़की है, या फिर हम उनका कलर नहीं देखेंगे, गोरे है, काले है, ये है, वो है। तो सोसाइटी में जो एक होती है दैट ट्रेंड जो होती है कि दिस थिंग्स, कि लड़का है तो उसको ये सिखाओ, लड़की है तो ऐसा सिखाओ, नो, नॉट दैट थिंग्स। Every child is equal. Every child has a right to be treated equally, regardless of their sex, nationality.
कलर, रेस, तो ये सब जो है हम उसको हमने देखेंगे कि हाँ अगर फॉरेनर्स हो गया उनको ऐसा सीखना चाहिए, इंडियन हो गया ऐसा सीखना चाहिए, नहीं, एवरी चाइल्ड इज सेम, कोई फॉरेनर्स नहीं, कोई इंडियन नहीं, कोई नॉर्थ नहीं, कोई साउथ नहीं, कोई वेस्ट नहीं, तो सब बच्चों को अपना अपनी जो है जो बेसिक राइट्स जो है वो उनको मिलना जो है उनका हक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, जो 10 राइट्स जो है एज इट इज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल डील विद आर चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज। चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज का मतलब ये है कुछ कुछ ऐसे संस्था है जो बच्चों के लिए, बच्चों का वेलफेयर के लिए बना गया है, जैसे ये हो गया मिड डे मील्स वगैरह हो गया, या फिर जो है बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जहाँ पे डे केयर्स वगैरह होता है उसका, या फिर उनके जितने भी राइट्स, स्पेशली हैंडीकैप जो चिल्ड्रंस होती है उनका अलग अलग जो राइट्स होती है, तो ये सारा जो है ये एजेंसीज जो है वो इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज में बटा गया है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज में क्या क्या होता है। चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है वो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए होता है, दूसरा जो है वो हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए होते हैं। सो फर्स्ट इज सर्विसेज फॉर बेसिक नीड्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन वेयर फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेट। मतलब कि कुछ ऐसे एजेंसीज जो है अलग अलग एजेंसीज बनी हुई है, कुछ एजेंसीज जो है वो नॉर्मल चिल्ड्रन के लिए, कुछ एजेंसीज जो है वो स्पेशल चिल्ड्रंस जो होती है, हैंडीकैप चिल्ड्रंस जो होती हैं उनके लिए बना गया है। तो नॉर्मल में अगर देखा जाए तो फिर क्या, फॉर एग्जांपल नॉर्मल में जैसे पोलियो देना, या फिर बच्चों के घर घर पे आके बताना कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उनको कैसे हैंडल करना है, और उनके लिए उनके कौन कौन सा न्यूट्रिशन देना है। तो गांव-गांव में जाके जो सर्वे वगैरह करते हैं वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह हेल्ड होता है, जैसे आशा हो गया, आशा इस एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ वगैरह जो होते हैं, तो वहाँ पे घर घर पे आके बताते हैं कौन से ईयर, कौन से एज में कौन सा इम्यूनाइजेशन देना है, कौन से टाइम पे क्या खाना है, क्या पीना है, बच्चों को कैसे माहौल में रहना है। तो ये सारे जो है जहाँ पे फैमिली एंड कम्युनिटी जो है जहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, दैट इज़ वन थिंग। द अदर थिंग इज़ जो चिल्ड्रंस जो है, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं अगर उनके फैमिली में कभी भी हैंडीकैप चिल्ड्रन ना मिला हो और उनको कोई आइडिया ना हो कि हाउ टू उनको ब्रिंग अप कैसे करना है, उसके बाद उनको कैसे कौन सी जगह पे भेजना है, उनके साथ कैसे डील करना है, तो ये सारे जो चीज़ें जो है ये एजेंसीज वगैरह जो है ये हेल्प करते हैं उनको उस चीज़ से कोप अप करने के लिए। तो फर्स्ट इज़ द सर्विसेज फॉर बेसिक नीड्स ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन वेयर फैमिली एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेट, एंड द सेकेंड इज़ सर्विसेज फॉर द नीड्स ऑफ फिजिकली, मेंटली और हैंडीकैप चिल्ड्रन। तो ये जो है फिजिकली, मेंटली और हैंडीकैप चिल्ड्रन जो होती है उनसे डील करने के लिए अलग एजेंसीज है, और उसके बाद नॉर्मल चिल्ड्रन से डील करने के लिए अलग एजेंसीज है। तो टू टाइप्स में डिवाइडेड है एजेंसीज जो, एक है इंडियन नेशनल एजेंसीज, एक है इंटरनेशनल एजेंसीज। नेशनल एजेंसीज में कौन कौन सा एजेंसी है जो बच्चों का ये जो वेलफेयर है वो देखते हैं। सबसे पहले है ICCW। ICCW का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर वेलफेयर फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो है ये नेशनल इंडिया का जो है इंडिया का एजेंसी है। सेकेंड इज़ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये दूसरा एजेंसी इंडिया का। एंड द थर्ड इज़ कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो ये तीन एजेंसीज जो है वो इंडिया में है जो ऑनली बच्चों के लिए फोकस होता है। एंड दूसरा जो है इंटरनेशनल एजेंसीज में यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, CARE हो गया, FAO हो गया, एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। सेकेंड इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज CARE। CARE जो है सी से कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो पांचवा जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस, एंड सिक्स्थ इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तो
इंडियन में 3 है और इंटरनेशनल में ये 6 एजेंसीज है जो बच्चों के जितने भी वेलफेयर के लिए एजेंसी जो है वो वर्क करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज। आई होप कि आज का क्लास जो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू क्लास।